हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ जूलॉजी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यूक्लिक एसिड्स। आप सब ने डीएनए एंड आरएनए के बारे में तो सुना ही होगा। यही है न्यूक्लिक एसिड। डीएनए मींस डीऑक्सीड आइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए मींस राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हम लोग देखेंगे कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। डीएनए ये एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जिसमें डीऑक्सीराइबोस सुगर प्रेजेंट होता है। आरएनए में राइबोस सुगर प्रेजेंट है। डीऑक्सीराइबोस सुगर एंड राइबोस सुगर बोथ ऑफ दीज आर पेंटोज सुगर। इट मीन्स दैट इट कंटेन्स 5 कार्बन। The sugar contains 5 carbon and that's why it is pentose monosaccharide. Okay. Now, DNA has 4 nitrogenous bases like adenine, guanine, cytosine and thymine. Here, the difference is in RNA, thymine is absent. In place of thymine, uracil is present. So, what are the nitrogenous bases present in RNA? These are adenine, guanine, cytosine, and uracil. You always remember that in a double-stranded DNA, adenine always forms double hydrogen bond with the thymine, and cytosine forms triple hydrogen bond with guanine. Yes. And in RNA, in double-stranded RNA, the adenine forms 2 double bonds with the uracil of the second strand, okay? And the cytosine of 1 strand forms triple hydrogen bond with the guanine of the second strand. So this is the basic difference between DNA and RNA. अब हम लोग देखेंगे कि DNA and RNA जो nucleic acid है, इन ये क्या है actually? So it is a polymer of nucleotides. Polymer of nucleotides, and that is why nucleic acid is also called polynucleotides. अब आते हैं न्यूक्लियोटाइड पे कि न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट का बना होता है। नाइट्रोजिनस बेस, सेकंड वन इज पेंटोज सुगर एंड थर्ड वन इज फॉस्फेट आयन। ओके, सो दिस इज द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। ऑल न्यूक्लियोटाइड्स इन अ न्यूक्लिक एसिड are joined together by phosphodiester bonds. Okay, ये बात याद रखना है कि न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और इस तरह बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड मिलकर एक न्यूक्लिक एसिड चेन का फॉर्मेशन करते हैं जिसे पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन कहा जाता है। अब देखते हैं कि नाइट्रोजिनस बेस होता क्या है। व्हाट इज नाइट्रोजिनस बेस? नाइट्रोजिनस बेस इज नथिंग बट हेट्रोसाइक्लिक प्लेनर ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोजिनस बेस एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि साइक्लिक कंपाउंड है, एंड ये जो साइक्लिक जो मेंबर्स होंगे वो सिर्फ कार्बन नहीं होगा, सिमिलर एटम्स नहीं होंगे, नाइट्रोजन भी इन्वॉल्व रहेंगे। इसीलिए ये रिंग का फॉर्मेशन हुआ, डिफरेंट मेंबर्स कार्बन एंड नाइट्रोजन, एंड दैट इज व्हाई इट इज हेट्रोसाइक्लिक, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नाइट्रोजिनस बेस बिकॉज इट कंटेन्स नाइट्रोजन। नाउ देयर आर 2 general classes of nitrogenous bases, purines and pyrimidines. Purines
include adenine and guanine, whereas pyrimidines include cytosine, thymine and uracil. ये जो purine है ये double ring structure है और pyrimidine जो है वो single ring structure है. यही difference है purine and pyrimidine में. तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा, adenine किसके साथ bond बनाता है? Thymine या फिर uracil के साथ. तो adenine एक purine है और thymine क्या है? Pyrimidine है ना? Pyrimidine derivative. ओके, अब आते हैं कि साइटोसिन, ग्वानिन, ये तो मैंने पढ़ लिया नाइट्रोजिनस बेसिस के बारे में, इसका स्ट्रक्चर्स भी देख लेना है आपको, है ना? अब आते हैं राइबोस सुगर एंड डीऑक्सीराइबोस सुगर. ये 5 कार्बन्स के बने होते हैं, इसीलिए इन्हें पेंटोज सुगर कहा जाता है. और ये जो सुगर है, सुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, इन दोनों के बॉन्ड को, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं और इन्हें न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है. तो राइबोस सुगर या फिर डीऑक्सीराइबोस सुगर का जो पहला कार्बन है उसके साथ बॉन्ड बनता है नाइट्रोजिनस बेस का. और ये जो बॉन्ड बनेगा बिटवीन द सुगर एंड द नाइट्रोजिनस बेस, इट दिस बॉन्ड विल बी कॉल्ड बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ये याद रखना है, ठीक है? अब ये जो बॉन्ड बन रहा है प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन में, प्यूरिन का जो नाइन्थ नंबर नाइट्रोजन होगा, प्यूरिन में देखिएगा नंबरिंग किया जाएगा, तो जो नाइन्थ नंबर नाइट्रोजन है वो बॉन्ड बनाता है पहले नंबर कार्बन से. तो इसमें कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, है ना? ये जो राइबोस सुगर का जो OH ग्रुप है वो H के साथ वाटर रिमूव हो जाता है और बॉन्ड बन जाता है. उसी तरह अगर राइबोस सुगर पाइरिमिडिन के एक नंबर नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है. इतना क्लियर हो गया कि न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं? सुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस जॉइंड बाय बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड के नाम कुछ इस तरह से हैं: एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन, थायमिन, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडिन, यूरिडिन एंड थायमिडिन. ओके, अगर एडिनिन बॉन्ड बनाया है राइबोस सुगर के साथ देन इट इज कॉल्ड एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड इन दिस वे. ओके, अब आते हैं हम किसमें? फॉस्फेट आयन में. अगर फॉस्फेट आयन राइबोस सुगर से जुड़ा है प्लस उसके साथ प्यूरिन और पाइरिमिडिन जुड़ा हो सकता है, तो ये तीनों कंपोनेंट मिल के एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं. अब देखिए ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कहाँ ऐड होगा? वो कार्बन, फिफ्थ नंबर कार्बन है ना, उसके साथ ऐड होगा फॉस्फेट आयन. तो अगर एक फॉस्फेट आयन ऐड होता है तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट. अगर दो फॉस्फेट ऐड हुआ है न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट. और अगर तीन फॉस्फेट ऐड होता है तब बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. इन दिस वे आई कैन इजीली मेक यू अंडरस्टैंड बाय दिस. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इट इज नथिंग बट अ न्यूक्लियोटाइड which contains 3-phosphate and that's why it is triphosphate and adenosine is nucleoside. Similarly, guanosine triphosphate, it contains 3-phosphate ion. Adenosine diphosphate, it contains 2-phosphate ion. So this is all about a nucleotide. Now, this nucleotide will join together
by the formation of what? Phosphodiester bond. ये जो phosphodiester bond है वो किसके बीच बनेगा? तो वो एक न्यूक्लियोटाइड का जो तीसरा नंबर कार्बन है उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है प्लस दूसरा न्यूक्लियोटाइड का जो फिफ्थ नंबर कार्बन पे फॉस्फेट आयन है उन दोनों के बीच ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, है ना? क्या कहा? एक न्यूक्लियोटाइड के तीसरे नंबर कार्बन से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किसके साथ? दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ नंबर कार्बन पे जो फॉस्फेट आयन है उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये तो बन गया एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसी तरह और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आता है, तो ये टू चेन्स आपस में हेलिकली कॉइल्ड होते हैं। इसी को तो कहते हैं डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर, है ना? तो ये जो दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े होंगे कैसे? कोई बॉन्ड बनेगा तभी ना, तो उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ से आया? तो इस स्ट्रैंड का एडिनिन इसके थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, इसका साइटोसिन इस स्ट्रैंड के ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से जो है बॉन्ड बनेंगे दोनों के बीच और ये आपस में हेलिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो कि डीएनए में पढ़ते हैं उस तरह से बन जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोटाइड। आई विल बी बैक विद मोर टॉपिक्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, हैव अ नाइस डे। बाय बाय।